हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बड़ा वाला ब्लॉग। आज कोई मिनी ब्लॉग नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा वाला ब्लॉग लेके आई हूँ और बहुत दिनों बाद लेके आई हूँ। तो आई होप आप लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो हाय, मेरा नाम कंचन है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करके जाना। और गाइज, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और हम लोग कहीं जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं। तो वो क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और मेरी पूरी फैमिली जा रही है और कुछ फैमिली फंक्शन भी है। और ये देखिए, मेरे हाथों में मेहंदी लगा है। मैं इस वाले हाथ का भी डिज़ाइन आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में यूँ ही बस बने रहिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। तो चलिए दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। और आज है 3 मई, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और बहुत दिनों बाद ऐसे बड़ा वाला ब्लॉग बना रही थी, मैं कंफ्यूज हो गई मैं क्या बोलूं। और यहाँ पे गाइस कोलकाता में चल रही है बारिश, देखिए यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, चलिए आगे देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है अंदर। ये सारा हमारा पैकिंग वाला सारा सामान है जो जाने वाला है हम लोगों के साथ। और ये सारा बेड वेड पे सामान है जो कि अभी इसके अंदर पैक होगा, वो सारा बैग के अंदर। और इतना सारा सामान है, तो इतना सारा सामान के साथ हम लोग को ट्रैवल करना पड़ रहा है। और बहुत दिनों बाद हम लोग, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज फैमिली के साथ हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। सो गाइज, अभी बज रहे शाम के 6 और हम लोग को निकलना है थोड़ी देर में। और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ये पहना है ट्राउज़र। हाँ, 6:45 में निकलना है हम लोगों को, सिद्धार्थ बोल रहा था। और मैंने ये पहन लिया है ट्राउज़र, टी शर्ट। यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई है और यहाँ पे सिद्धार्थ भी रेडी हो गया है। और थोड़ी देर में हम लोग कैब बुक करेंगे, पापा भैया सारे लोग रेडी हो रहे हैं। तो अभी कैब बुक करेंगे, उसके बाद निकलते हैं। देन आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और हम लोग को जाना है ना ही हावड़ा जाना, ना ही सियालदा जाना, हम लोग को जाना है शालीमार। तो वहाँ पर डायरेक्ट जाके आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग अभी आ गए हैं कैब में और बहुत मुश्किलों के बाद हम लोग को कैब मिल चुका है। अभी हम लोग हैं ब्रिज और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन जाके आप लोगों से मिलते हैं, तो आप लोग व्यू को इन्जॉय करें। शालीमार स्टेशन और ये ब्रिज चढ़ के हालत एकदम ख़राब है। इतना सारा सामान उठा के, मतलब वही सीढ़ी था, हालत ख़राब हो गई है सारे लोग की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमें सारे लोग हैं और इतना सारा सामान, पूरी मतलब हालत ख़राब हो गई है। और ये हमारी ट्रेन है, तो अभी इसके अंदर जाके हम लोग बैठेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सामान सेटअप कर लूँ बिकॉज सामान बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, हम लोग फाइनली अपने सीट पे आ गए हैं और सामान वगैरह भी सेटल हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हम लोगों ने कबाड़ा मचा रखा है, इतना सामान लेके ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सारा सामान है हम लोगों का इस साइड पे। और मम्मी बैठी, यहाँ पीछे पापा, आज मेरे ब्लॉग में पहली बार। और यहाँ पे है मैं और भैया लोग नीचे गए हैं पानी वगैरह लाने। बस सामान की गिनती हो रही है। और गाइस ये देखिए, ये है शालीमार स्टेशन। और ये मतलब पूरा अनडेवलप्ड है, अच्छे तरीके से भी बना नहीं है। अभी इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बना है, बट उतना अभी अच्छे से बना नहीं है। यहाँ पे सब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बोलो दूरी 30 टका नीचे पीछे। गाइस रात को 10 बजे ट्रेन खुलने वाला है और अभी हो रहा है 9:30 होने जा रहा है। और यहाँ पे सिद्धार्थ है, ये लोग पानी वानी के बॉटल लाने गए थे बिकॉज ट्रेन चालू हो जाएगा तो पानी वानी का बॉटल नहीं मिलेगा। तो ये क्योंकि ये स्टेशन को ज़्यादा ही अलग पड़ता है ना, इसलिए।
और अभी हम थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, भूख तो लग गई है बिकॉज दोपहर का ही खाना खाए थे मैंने, चावल दाल और आलू की भुजिया जो मेरा फेवरेट खाना है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग खाएंगे, आप लोग ब्लॉग में यही बने रहिए। और हमारा दो सीट उधर है और ये यहाँ पे चार सीट है, ये दो सीट किसी और का है तो वो लोग आएंगे, हम लोग की फैमिली है, हम लोग बात करके कहीं चेंज कर ले वो लोग शायद, तो सारे लोग एक जगह हो जाएंगे, देखिए क्या होता है, आने दीजिए उन लोगों को, फिर हम लोग बात करेंगे। गाइस डिनर टाइम, यहाँ है पनीर की सब्जी, यहाँ है पनीर की सब्जी और ये है रोटी। डिनर वगैरह हो गया कंप्लीट, हम लोग आए थे हैंड वॉश करने, अब हम लोग जाएंगे अपने सीट पे और ट्रेन हो गई है स्टार्ट, चल तो चलते हैं। चले तो गाइस इस वाले सीट के पीछे बच्चे लोग हैं जिसमें पैं पैं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और अभी हम लोग अपने अपने सीट पे आ गए हैं, और अभी सब लोग का रेड वेलवेट सीट भी लगता है ना, ये वाइट कर्टन वो लग रहा है, पता नहीं वाइट कर्टन क्यों दे रहा है, क्यों ऐसा। और मैंने अपना सीट वगैरह ऐसे सेटअप कर लिया ना, ऐसे सेटअप कर लिया ना, और ये रहा मेरा बैग। और गाइस ऐसी हवा बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है ठंडा ना लग जाए, और पूरे हाथ पैर ठंडा हो रहा है। अभी हम लोग सोएंगे नहीं, मस्ती का टाइम, तो बहुत दिनों बाद ऐसे, तो सिद्धार्थ और दीदी के साथ कभी ट्रैवल नहीं हो पाता है, और मम्मी पापा के साथ हमेशा ट्रैवल हो जाता है, और भैया दीदी और सिद्धार्थ के साथ नहीं होता है, और भैया के साथ भी अभी हो ही गया था, हम लोग पटना उटना गए थे। और गाइस ये ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं पटना, और कल सुबह हम लोग 6 बजे पटना उतर जाएंगे। और यहाँ पे दीदी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बार बार वो मांग रही है वो बेडशीट बिछाने के लिए, उसको लग रहा है कि हम लोग घर में कितना काम करवाती है, समझ में नहीं आता। उसके बाद अब हम लोग पटना जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा सुबह 6 बजे पटना ट्रेन रुकेगा, हम लोग पटना उतरेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से कहाँ जाना है मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और अपना प्यार मुझे ऐसे ही दिखाइएगा गाइस, सारा हर एक चीज़ शेयर करूँगी। और मेरा एकदम ड्रीम प्लेस है वो, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि मुझे भी वीडियो शेयर करने में मज़ा आए। अभी मैंने बता दिया कि मैं जा रही हूँ पटना, और उसके बाद पटना उतर के मैं बताऊँगी फिर वहाँ से मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहें। थोड़ा सा मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, बिकॉज ट्रेन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और मैं यहाँ आप लोग देखिएगा, फर्स्ट टाइम इसी में ट्रैवल कर रही है, हम लोग इसका मजाक बना रहे हैं, मैं ऐसे बहुत बार किया, मैं ऐसे मजाक कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मेरी ट्रैवल कर रही है। और एक जगह देखिए आप लोग हेडफोन लगा के वो कितने एकदम रिलैक्स मोड पे चला गया, क्योंकि हम लोगों ने सामान गाइस इतने दिनों से इतना ज़्यादा परेशान है, और आप लोगों ने सब का वीडियो देखा ही होगा मेरा। और यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ का क्या ड्रामा चल रहा है, बज रहे 6 और अभी हम लोग हैं पटना जंक्शन स्टेशन पे, अभी हम लोग की ट्रेन रुकी है और अभी हम लोग को यहीं पे रुकना है 6 आवर। तो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहाँ रुकना है, वेटिंग वगैरह वेटिंग रूम, तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेन से बाहर निकल के वेट कर रहे हैं, भैया लोग गए सारे देखने के लिए। और रात को मैं सो गई थी तो मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं लिया, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी बिकॉज एसी बहुत तेज़ का चल रहा था। यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे पापा और ये पटना जंक्शन स्टेशन। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के बाहर फ्रूट वगैरह लेने, क्योंकि दीदी और मम्मी का व्रत है आज, थर्सडे है, तो हम लोग स्टेशन पे ही रुके हैं, हाँ, और बजरंग बली का दर्शन भी हो जाएगा, हम लोग वही करने जा रहे हैं और बाकी सारे लोग वहीं पे रुके हैं अभी, तो चलिए आप लोग को पटना का दर्शन करा देते हैं और बाबा बजरंग का भी।
ये रहा बाबा बजरंग का मंदिर। तो गाइज अभी हम लोग बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और हम लोग ने नहाया वगैरह नहीं है तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, तो बाहर से ही दर्शन कर लेंगे हम लोग। चलिए आप लोग का भी दर्शन कराते हैं बाहर से ही, शायद बजरंगबली हम लोग को थोड़ा सा दिख जाए। और मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, और मैं जितनी बार आई हूँ पटना में बस बोली हूँ कि जाएंगे जाएंगे, बट ऐसा हो ही नहीं पाता है। बट आज 6 घंटा रुकना है तो सोचा चलो दर्शन ही कर लेते हैं। तो गाइस हम लोगों ने सामान फ्रूट वगैरह लेना था वो ले लिया है और सब कुछ भी लिया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ चाय नहीं पिया जाता है वैसे। और हम लोग अभी एक्सीडेंट पे चढ़ गए और जा रहे हैं यहाँ पे रुके वाली पे, आप लोग भी चलिए। और ये पीछे का महाभारत का ये बना हुआ। तो गाइस हम लोग खो गए थे 2 या 3 पैसे, कन्फ्यूज हो गए थे, अभी हम लोग फाइनली आके यहाँ पे पहुँच गए। दीदी एकदम डर गई थी, इसका फेस देखने लायक था। और उस समय से हम लोग बस दौड़े जा रहे हैं इस ब्रिज से उस ब्रिज, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला जगह है ये, दिमाग ख़राब हो गया, गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो चलिए हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ले लिया है और यहाँ पे देखिए मम्मी मम्मी सबका स्माइल, हम लोग बहुत देर बाद पहुँच रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज हम लोग का लोकल ट्रेन है, हम लोग को दानापुर जाना है तो हम लोग का लोकल ट्रेन आने वाला है। और हम लोग आ गए हैं उस वाले प्लेटफॉर्म से इस वाले प्लेटफॉर्म पे, और हमारी ट्रेन अभी आने वाली है तो हम लोग उस वाले ट्रेन पकड़ के तो दानापुर स्टेशन उतरेंगे। फिर वहाँ पे हम लोग को देखिएगा आप लोग ब्लॉग में, कौन कौन हम लोग को ज्वाइन करने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में ही भी बने रहे। सो गाइज हम लोग का ये तीसरा ट्रेन है और हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे बहुत लोग ज्वाइन कर ले, यहाँ हमारी मामी और यहाँ पे आ गए भैया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं, सारे लोग आए बोल दो। गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और अभी हम लोग पहुंच गए हैं आरा, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है हम लोगों का क्योंकि 3 ट्रेन से हम लोग ट्रैवल करते हैं और फर्स्ट टाइम 3 ट्रेन हम लोगों ने चेंज किया रुक रुक के। तो सारे लोगों की हालत ख़राब है, थक के कुछ लोग इधर बैठे कुछ लोग उधर बैठे, हमारी सीट इधर उधर है। और सामान वगैरह भी बढ़ गया बिकॉज सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे पटना स्टेशन पे। तो बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए, और अभी हम लोग जसपुर के मिठाई खाए हैं और अभी 1 घंटा और हम लोग को पहुँचने के लिए, सारे लोग सो गए थे। गाइस सारी थकान मिट गई है बिकॉज हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने जा रही है बहुत दिनों से। हम लोग मेरा ये तो पर्सनल बहुत ज़्यादा ड्रीम था कि हम लोग वहाँ पे जाएं, और फाइनली अब हम लोग पहुँचेंगे 1 घंटे में। और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, अच्छा वाइब आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग उस जगह पे जाने के लिए। आप लोगों को भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ आए हैं थोड़ी देर में।
और अभी एक स्टेशन पे रुका है हमारा ट्रेन। अब यहाँ से खुलेगी तो हम लोग डायरेक्ट वहीं पे जाके रुकेंगे और बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी वाला फीलिंग हो रहा है बिकॉज मेरा ये ड्रीम था, मेरा प्लेन। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज हम लोग जाना था बहुत दिनों से और फाइनली आज हम लोग बहुत जाएंगे। सारे लोग जग गए, सारे लोग ही एक्साइटमेंट में, और मेरा तो ड्रीम था गाइस, मेरा ड्रीम था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और बहुत दिनों से था कि मैं बस वहाँ जाऊँ। बहुत मुझे खुशी महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। फाइनली मैं पहुँच जाऊँगी। तो गाइस अभी हम लोग खाएंगे ये कीड़ा नमक को लगा हुआ बिकॉज भूख लग गया हम लोगों को। वो जो हाथ ऐसे भी दिखता है, हाँ नहीं नहीं ये वाला दिखता है, हाँ हाँ ये वाला है। ये फाइनली हम लोग काशी आ गए। अभी तक पता चल गया मेरे चेहरे की खुशी देखकर नमक खाते दर्शन करके हम लोग आ गए हैं वाराणसी बाबा की नगरी में और सारे लोग आ गए हैं, सामान वगैरह भी आ गया और ये ट्रेन काफी ज्यादा भीड़ लगा था इसके अंदर, बहुत ज्यादा जाम लगा था और स्टेशन बहुत ही ज्यादा नीचे का था। अच्छा वाइब, बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है, हम लोग वाराणसी आए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सामान देखिए बहुत ज्यादा है, ये देखिए इतना सारा सामान है हमारे साथ और निकालने में तो हालत खराब हो गई थी इस ट्रेन से बिकॉज 10 मिनट में निकलने वाला था ये ट्रेन, अभी तक है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखिए ये घाट का, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास पिक्चर बना हुआ है, काफी खूबसूरत लग रहा है। गंगा घाट का ये काशी घाट का बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए हैं और हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे ऑटो ले रहे हैं, हम लोग को होटल जाना है अपने होटल की तरफ। होटल का बुकिंग वगैरह हो गया है और यहाँ पे गाइस नज़ारा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे मेरे फूफा जी भी हम लोग को ज्वाइन कर लिए हैं और बाकी सारे लोग हैं। अब ये देखिए आप लोग यहाँ के नज़ारे कितने प्यारे हैं और अपना फ्लैग खराब हो रहा है ये समथिंग बोलिए। गाइस हम लोग अब अपनी होटल के तरफ निकल गए हैं और ये एक गली है जो वाराणसी की गली है और यहाँ पे सिर्फ होटल ही दिख रहा है और हमारा होटल भी अब आने वाले हैं थोड़ी देर पे। वॉकिंग डिस्टेंस था तो वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं और बाकी सारे लोग सामान लेके ऑटो करके निकल गए हैं। तो गाइस हम लोग होटल के पास आ गए हैं और ये हमारा होटल का मेन है प्लेस और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये हमारी होटल और ये भैया सारा सामान अब अंदर जाएगा, इसके अंदर है सिद्धार्थ। एकदम कड़क सा चाय हम लोगों ने पी लिया है और नहा धो के फ्रेश होके गए थे हम लोग, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि सुबह का हैरेसमेंट था और सुबह से मैंने एक कप भी चाय नहीं पिया था, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। नहाने के बाद हम लोग ने चाय पिया है, होटल से बाहर निकले थे और यहाँ का व्यू देखिएगा काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। हम सारे लोग आए थे और कुछ लोग अभी पीछे जा रहे हैं, लोग जा रहे अपने होटल की तरफ, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक रूम टूर दूँगी। सो गाइस ये देखिए रात के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये हम लोग सारे लोग 5 बजे जो आती है उसको दिल्ली एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो गाइस बड़ा सा आईना में मैं और सिद्धार्थ, ये गाइस अभी हम लोग आ गए हैं लिफ्ट से बाहर, हम लोग जा रहे हैं अपने रूम के अंदर। मैं आप लोग को छोटा सा एक रूम टूर देती हूँ। ये हम लोग गेट ओपन करेंगे और ये एक आईना है, ये एक रूम है बेडरूम और ये एक रूम है बड़ा सा जिसपे हम लोगों ने पूरा सामान वान छिट छाट के रखा।
गाइज अब मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जाए कि ये मेरा ट्रिप आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मैं डे वन डे टू करके सारा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं और जितना हो सके आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके जाए। गाइज आप लोग के सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। और वाराणसी का मैं हर डेली ब्लॉग शेयर करूँगी जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।